हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पार्ट 6। ठीक है, हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं जो इकाई 1 के अंतर्गत 1, 2 और 3 पार्ट के हैं। तो हम लोग आज कुछ भूगोल का भी पार्ट पढ़ लेते हैं जिससे कि चैप्टर हमारा कम्प्लीट होता रहे आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई इस समय पर चल रही है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सभी शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद हैं। तो जैसे ही कोरोना वायरस का कहर ख़त्म होगा बच्चों, तो आपकी स्कूल उसी तरह से प्रारंभ हो जाएंगे तथा परीक्षाएं भी फिर होंगी। ठीक है, तो आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़िए तथा अपना जो फेयर नोट्स है उसको बनाइए। तो हम आपको बताते हैं इसमें जो आपको अतिरिक्त जानकारी होगी वो भी मैं आपको दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 6 पार्ट है कक्षा 8 MP बोर्ड का। ठीक, तो पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। ठीक, तो पृथ्वी का कितने परसेंट पूछ रहा है भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 61%, 71%, 81% या 59%। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 71%। पृथ्वी के कुल भाग में 71% भाग में जल है। तो चलिए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं इसकी। तो देखिए बच्चों, ये इमेज है आपके सामने। ठीक, तो इस इमेज के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं पृथ्वी में जल का बंटवारा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ओशियंस यानी समुद्रों में, कुल महासागरों में जो पृथ्वी में जितना भी जल है 100% का, 97% जल, 97% जल आपका किस में है, महासागरों में है, तथा केवल बर्फ के रूप में आपका 2% जल जो कि लवणीय अनुपयोगी है। ठीक, बर्फ के रूप में 2% है और भूमिगत नदी झील ये भूमिगत जो जल है, देखिए लेक यानी झील, रिवर एंड स्ट्रीम्स मतलब तालाबों में जो आसपास के सड़कों के आसपास तालाबों में होता है, तो केवल 1% जल है आपका यहाँ। और जो ग्राउंड वाटर भी आप देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल। ठीक है, तो जो उपयोगी जल है, ये भी आपको जानकारी देते हैं कि जो उपयोगी जल है 1% जो उपयोगी जल है। ठीक, मीठा जल केवल 1% है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है उसका हम सिर्फ 0.006%। ठीक, 0.006% ही उपयोग करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगे पढ़ाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका फर्स्ट आंसर था 71%। ठीक, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का हम लोग देखते हैं अब, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आता है, किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जापान या श्रीलंका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पार्ट 6 का, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वाली बुक में। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन, किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही है, ये थर्ड ऑप्शन, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। क्यों आता है आपको ये भी हम दिखाते हैं एक इमेज के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, इस इमेज के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि ये जो आपका रेड जोन दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है, ये जो रेड जोन दिखाई दे रहा है यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक, आप देखिए भूकंप आने का मेन कारण, ठीक, ये है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में बसा हुआ है ये पूरा रेड जोन, प्रशांत महासागर में है। ठीक, और जो जापान है, देखिए जो आपका ये जापान है, ये मुख्यतः यहाँ पास है, जापान का मुख्यतः क्षेत्र, ठीक, यहाँ पास, ठीक है, देखिए ये मुख्यतः आपका जापान है, ठीक, मेनली यहाँ पास। तो जो ये रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, सेंटर है रिंग ऑफ फायर जो स्थित है, रिंग ऑफ फायर की प्लेट जो स्थित है प्रशांत महासागर में, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होता रहता है आए दिन डेली, ठीक है, बहुत ज़्यादा वह इधर उधर की शक्ति रहती है, हलचल होता है, इसी कारण से जो जापान का एरिया है, जापान के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, देश हैं, वहाँ भूकंप डेली अक्सर सप्ताह में आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा भूकंप वहाँ आते हैं, इसीलिए मुख्यतः जो रेड जोन है भूकंप का, अर्थक्वेक का,
तो वो जापान को माना जाता है, क्योंकि जो रिंग ऑफ फायर का प्लेट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा हरकत होती रहती है, ये इधर उधर खिसकता रहता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, ये अमेरिका का आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका का इधर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस तरफ ब्राज़ील। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये जापान, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास इसके आसपास जहाँ जहाँ ये रिंग ऑफ फायर है, आपको यहाँ भूकंप देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक, तो रिक्त स्थान का सब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि देखिए, पृथ्वी का लगभग कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है, मतलब कितने प्रतिशत भाग पूरा स्थलमंडल है। स्थलमंडल आपको मालूम होगा, जहाँ ज़मीन है, जहाँ रहने का स्थान, जहाँ लोग रहते हैं, और जहाँ ज़मीन है, पौधे हैं, पर्वत हैं, पेड़ पौधे पर्वत, उसको हम स्थलमंडल बोल सकते हैं। तो आपका कितने प्रतिशत है, आपका इसमें खाली स्थान में हो जाएगा 29%, 71% पे जल है और 29% में आपका स्थलमंडल है, जहाँ लोग रहते हैं, पर्वत पठार मैदान है, उसको स्थलमंडल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्वटी या और किस नाम से जाना जाता है, सबकी सबसे बाहरी परत को भूपर्वटी बोलते हैं और किस नाम से कहते हैं, और क्या कहते हैं। ठीक, तो आपको बोलते हैं उसको स्थलमंडल, सबसे बाहरी परत को भूपर्वटी या स्थलमंडल बोलते हैं। तो आपका सेकंड में क्या भरेंगे, स्थलमंडल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सियाल में सिलिका तथा डेड डैश धातुओं की प्रधानता होती है, मतलब सियाल जो, चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि जो ये सियाल किसको बोलते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं याद करने की। ठीक है, कि भूपर्वटी सबसे बाहरी परत में सिलिकॉन और क्या पाया जाता है। ठीक, यहाँ आपको भरना है, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए आपका होगा SIAL। ठीक, तो SI यानी सिलिका, क्या होता है सिलिका, और AL यानी क्या होता है एल्यूमिनियम, इसीलिए हम इसको सबसे बाहरी परत को सियाल भी बोलते हैं, भूपर्वटी को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो यहाँ खाली स्थान, यहाँ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, AL का अर्थ होता है एल्यूमिनियम। ठीक, सियाल और एल्यूमिनियम धातुओं की प्रधानता, अर्थात बहुत ज़्यादा धातुएँ यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। ठीक, और फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर है आपका कि देखिए, प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर सेल्सियस तापमान, कितना सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। तो आपको इसमें क्या भरना है कि 1 डिग्री सेल्सियस, क्या भरेंगे खाली स्थान में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ जाता है। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरी का है आपका, भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए, तो अपने दोस्तों के पास बिल्कुल सेंड कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें। ऑनलाइन के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं। ठीक, अग्नेय, तो इसका उत्तर होगा आपका, लिखिए उत्तर, अग्नेय शैलें भूपटल की प्राथमिक अर्थात प्रारंभिक शैल है। ठीक, आप वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो चलाकर आगे देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, धरातल की 3 प्रमुख स्थल कृतियों के नाम लिखिए। तो आपके उत्तर हो जाएंगे, लिखिए, अति लघु उत्तरी का सेकंड क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर है प्रथम पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। ठीक, 3 प्रमुख स्थल कृतियों के नाम क्या है, पर्वत पहला, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, अति लघु उत्तरी का थर्ड क्वेश्चन लिखिए, शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो थर्ड का आंसर है, शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो इन मोड़ों को वलन कहा जाता है, वलन यानी घुमाव। ठीक, जब मोड़ पड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वलन, घुमाव। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर आगे बढ़िए। तो अब चलिए देखते हैं, लास्ट एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरी का आपका, कि संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है। ठीक, तो संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है, इसका उत्तर है, संसार में सर्वाधिक ज्वालामुखी
प्रशांत महासागर के चारों ओर पैसिफिक ओशन बोलते हैं। प्रशांत महासागर को के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, ज्वालामुखी में क्या होता है, गर्म लावा बाहर आता है और उससे कुछ नुकसान होता है और कुछ फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर संसार में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम आपको एक इमेज दिखाए थे अभी, उसमें प्रशांत महासागर के बारे में बताए थे, रिंग ऑफ फायर वही है प्रशांत महासागर। ठीक, जापान ऑस्ट्रेलिया और इधर अमेरिका की तरफ फैला हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी PDF के रूप में सेंड करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनको बनाने में वीडियो के साथ थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में असुविधा होगी, इसलिए हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते जिसे आप आसानी से देख सकें। तो आज के इतना ही बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।